21 तारीख को समस्त जिले और ब्लॉकों में हमारी एक आक्रोश रैली निकलेगी, क्योंकि जो समस्त संघ हैं वो कहीं ना कहीं अध्यापकों की जो पीड़ा है उससे वो परेशान हो चुके हैं, और हम सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम महासंघ के बैनर के नीचे आकर के जिले और ब्लॉकों में रैली करेंगे। इसके बाद 28 तारीख को हम एक उज्जैन में एक शांति यज्ञ करेंगे, जिसमें समस्त प्रदेश के जो अध्यापक हैं वो उपस्थित होंगे, और उसमें वो हमारी 3 बहनें जिनका त्याग जो है वो हमारे साथ रहा है वो भी उसमें उपस्थित होंगी, और वो समस्त भाई भी उसमें उपस्थित होंगे जिन्होंने अपने केशों का त्याग किया है। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी जो अध्यापकों की स्थिति है, शिक्षकों की स्थिति है, वो बहुत दयनीय है, और हम लगभग 20 वर्षों से प्रताड़ित हो रहे हैं, और इस प्रताड़ना से हम लोग हार कर थक कर हमें इस तरीके का कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग अगर चाहें तो इन चीज़ों को रोक सकते हैं हमारी समस्याओं का निराकरण करके। अगर आपने इसे नहीं रोका तो हो सकता है कि ये स्थिति और अधिक विकराल रूप में और कैसे आपके समक्ष आएगी, ये बहुत विचारणीय प्रश्न हो गया है, तो इसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए। केश और फोटो भी भेजे जा रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, हम अपने एक मार्मिक पत्र के साथ हम अपनी बहनों के केश और जो फोटो हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि मध्य प्रदेश में अध्यापकों की क्या स्थिति है।